हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल जोहार झारखंड टेक में। और दोस्तों, आज एक बहुत ही बड़ी खबर आई है। जी हाँ दोस्तों, अभ्यर्थियों ने दी जेपीएससी को चुनौती। जैसा कि आपको पता है कि छठी जेपीएससी शुरू से लेकर अभी तक इसमें विवाद होता आया है। और दोस्तों, इस विवाद में एक नया टर्म जुड़ गया है। मैं पूरा डिटेल आपको बताने जा रहा हूँ। उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, अभ्यर्थियों ने दी जेपीएससी को चुनौती, ये आज के हिंदुस्तान पेपर में छपा हुआ है। आप देख सकते हो, छठी झारखंड लोक सेवा आयोग के अंतिम परिणाम को लेकर उठे विवाद पर अभ्यर्थियों ने आयोग को चुनौती दी है। अभ्यर्थियों ने कहा कि आयोग छात्रों को गलत साबित कर दे तो वे परीक्षा लिखना बंद कर देंगे और आंदोलन खत्म कर देंगे। जेपीएससी अभ्यर्थी शशि पन्ना ने कहा कि अगर छात्र प्रतिनिधित्व आयोग को गलत साबित कर देते हैं तो छठी जेपीएससी रद्द कर आयोग को भंग करना होगा। यानी अगर छात्र छात्र आयोग को गलत साबित करते हैं तो जेपीएससी को रद्द करना होगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा दिग्भ्रमित किया जा रहा है, प्रारंभिक के साथ साथ मुख्य परीक्षा में भी न्यूनतम अंक लाना आवश्यक था। हाईकोर्ट ने भी अपने फैसले में विषयवार अर्हता लाने का फैसला सुनाया था, इस पर आयोग को बहस करनी चाहिए। अभ्यर्थी शशि पन्ना, अनिल पन्ना समेत अन्य ने आयोग से सवालों के जवाब भी मांगे हैं। अभ्यर्थियों ने पूछा है कि पहला पेपर जो क्वालिफाइंग था उसके नंबरों को क्यों जोड़ा गया, रिजर्व कोटी के अभ्यर्थियों के सेवा क्षेत्र में गड़बड़ी कैसे हो गई, सर्विस वाइज कट ऑफ मार्क्स जारी क्यों नहीं किया गया, मार्कशीट पर भाषा, पेपर नाम व कोटी का उल्लेख क्यों नहीं किया गया, ये कहा है उन लोगों ने। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने सीएम को पत्र लिखा। छठी जेपीएससी में अनियमितता की शिकायत पर कृषि मंत्री बादल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले पर उचित कार्रवाई की अपील की है। इनसे पहले विधायक बंधु तिर्की, राजेश कच्छप, दशरथ गागराई ने भी मुख्यमंत्री को इस अनियमितता पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की मांग की थी। मैं दोस्तों बता दूं, फाइनल रिजल्ट आ चुका है और यहाँ पर बहुत सारे विवाद हो रहे हैं। अभ्यर्थियों ने कहा है कि अगर अगर आयोग हमें गलत साबित करे तो हम ये सब आंदोलन करना छोड़ देंगे और परीक्षा लिखना भी छोड़ देंगे, और अगर हम आपको गलत साबित करते हैं तो आपको इस एग्ज़ाम को रद्द कर देना होगा और फिर से छठी से लेकर नौवीं तक का एग्ज़ाम लेना होगा। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। फिलहाल तो विवाद बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों देखते हैं जेपीएससी की जीत होगी या अभ्यर्थियों की, यह आने वाला वक्त जल्द ही बता देगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।